चलिए फ्रेंड, ये देखिए ये रिमोट है, इधर ऑलरेडी मशीन वर्किंग चल रहा है, इसलिए क्लिक नहीं करेंगे, ऊपर से ही आपको बता देंगे फ्रेंड। तो ये देखिए, ये स्टार्ट है, जब भी आप मशीन स्टार्ट करते हैं तो ये स्टार्ट आप क्लिक करते हैं, और जब भी मशीन को बीच में केवल बंद करना रहता है तो ये देखिए स्टॉप, स्टॉप किए तो ये मशीन रुक गई, और उसके बाद में ये देखिए कंटिन्यू दिया हुआ है, फिर कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू चलेगा। लेकिन फ्रेंड ये स्टॉप नहीं दबाने का, ये स्टॉप दबाएंगे तो हमेशा के लिए फ्रेंड बंद हो जाएगा, इसलिए ये स्टॉप नहीं दबाना है फ्रेंड। और इसके बाद ये गैस ये चेक करते हैं, कभी भी गैस उसका नोजल से हेड से आ रहा है कि नहीं ये चेक करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी हो गैस क्लिक करेंगे तो आएगा। ये फॉलो है इसका हेड के लिए फ्रेंड, जब भी इसका हेड अप डाउन करेगा तो ये फॉलो 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 क्लिक करेंगे तो डाउन होगा, फिर फॉलो क्लिक करेंगे तो अप होगा इसका हेड, और आपको कैलिब्रेशन भी करने के लिए आसान रहेगा, फॉलो क्लिक करेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा कैलिब्रेशन करने के लिए। ये फ्रेंड देखिए शटर है, शटर क्या है, इसका जो रेड लाइट जलता है ना, तो रेड लाइट जलता है तो उसका ये जब ये शटर क्लिक करेंगे तो रेड लाइट हट जाएगा। देखिए हम फर्स्ट दबा दिए, फर्स्ट क्लिक किए फ्रेंड, अभी देखिए शटर ऑफ है तो कटिंग कर रहा है, अगर हम ये करेंगे अभी स्टार्ट करेंगे तो कटिंग नहीं करेगा, तो ये देखिए अभी स्टार्ट करेंगे तो कटिंग करेगा, तो शटर का मतलब कि ये लाइट जाएगा आएगा फ्रेंड। चलिए हम लाइट को हटा दिए और फिर कंटिन्यू कर दिए, अपना जॉब कंटिन्यू कर चल रहा है फ्रेंड। तो ये देखिए ये लेजर है, जब भी आप सेंटर बीम चेक करते हैं फ्रेंड तो ये लेजर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर से लेजर आएगा फ्रेंड, बाकी ये K1 K2 K3 K4 यूज होने का जरूरत नहीं है, ये एयर सीकिंग है फ्रेंड। अब उसके मशीन में भी ऑलरेडी एयर सीकिंग दिया हुआ है और रिमोट पर भी दिया हुआ है एयर सीकिंग, इसके ऊपर भी एक वीडियो अच्छा से सेपरेट बनाएंगे फ्रेंड। उसके बाद में ये देखिए ये K5 यूज नहीं है, K6 यूज नहीं है, ये फंक्शन ये यूज है काम का। देखिए फंक्शन प्लस जीरो, अगर वहां पर भी मशीन को हम स्टॉप करते हैं और फंक्शन प्लस जीरो, ये जब हम दोनों क्लिक करेंगे ना फ्रेंड, ये फंक्शन प्लस जीरो, तो ये मशीन जहां से हम उसका स्टार्ट पॉइंट लिए रहेंगे, अगर यहां से स्टार्ट पॉइंट लिए रहेंगे तो यहां पे आ जाएगी, नहीं तो यहां पर स्टार्ट पॉइंट लिए होंगे जो भी लेफ्ट या राइट कहीं भी अगर स्टार्ट पॉइंट लिए रहेंगे तो केवल फंक्शन प्लस जीरो ये क्लिक करेंगे तो आ जाएगी फ्रेंड। उसके बाद में ये देखिए, उसके बाद ये ड्राई है, ये ड्राई कट क्या है फ्रेंड, ड्राई कट इसलिए है कि जब भी आपको ये कोई भी चीज कटिंग कर रहे हैं और उसको आपको डाउट है कि ये सही कट करेगा कि नहीं कट करेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है ना कि ड्राई कट करना है, वो जाकर मशीन कटिंग नहीं करेगा लेकिन वो सर्कल के सामने ऐसे ऐसे मूव होगा, केवल कि आप उसके उसके पास लाइट के साथ मूव होगा तो उसका जो जो लाइट जाएगा तो आप चेक कर सकते हैं कि नहीं वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। कभी भी हाफ कटिंग करते हैं उसके बाद कभी मशीन बंद हो जाती है तो उस समय के लिए ये ड्राई बहुत अच्छा है ड्राई कट। बाकी ये देखिए फ्रेंड, ये जो एरो चार एरो है, ये देखिए जो हेड है, हेड को ऊपर नीचे, ये जो ये जेड है, जेड अप और डाउन, ये जेड को क्लिक करेंगे तो हेड ऊपर में जाएगा, और जेड को ये एरो नीचे का क्लिक करेंगे तो नीचे में जाएगा फ्रेंड, और ये जो चार एरो है तो वो ये क्लिक करेंगे तो टॉप साइड में जाएगा, और ये क्लिक करेंगे तो बॉटम साइड में आएगा, ये क्लिक करेंगे तो राइट साइड में जाएगा, और ये जब क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में जाएगा फ्रेंड। जीरो मालूम ही चल गया फ्रेंड, फंक्शन जीरो के लिए काम है। उसके बाद में ये हाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कभी भी ये मूव करते हैं तो ऐसे सिंगल मूव करेंगे तो स्लो में मशीन मूव होगी, हाई हाई क्लिक करने के बाद में अगर ये राइट लेफ्ट जो भी क्लिक करेंगे इसको इसको दबाने के बाद में इसको दबाएंगे तो मशीन बहुत फास्ट में मूव होगी फ्रेंड। ओके देखिए मेरा मशीन टोटल कटिंग कर दिया, बस केवल साइड का, ये साइड में इसलिए लास्ट में कटिंग करने के लिए फ्रेंड रखा था कि अगर हमें पहले कट कर देता तो फिर प्रॉब्लम हो जाता, इसीलिए मैं ये टोटल लाइन कट गया, केवल अब साइड का बॉटम का और टॉप का केवल साइड साइड बैलेंस है फ्रेंड। ओके अगर आपको आप चलिए मैं ये स्टार्ट करता हूँ, अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कॉमेंट पूरा फुल कीजिएगा फ्रेंड। ओके थैंक यू बाय फ्रेंड।